फर्स्ट क्लासिफिकेशन फाइलम में है पोरीफेरा। पोरीफेरा को याद करने के लिए पोरीफेरा लिखना है। उसके बाद मैक कैन से हर, मैक कैन से हर, ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। पी से क्या आएगा, पोर्स ऑन द बॉडी। पोर्स ऑन द बॉडी से क्या बनेगा, स्पॉन्ज, ठीक है। ये स्पॉन्जी बॉडी होता है, ये स्पॉन्जी बॉडी किस से सपोर्ट होता है, स्पाइक्यूल्स से या स्पॉन्जिया से, स्पाइक्यूल्स से या स्पॉन्जिया से। ये स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिया किस से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, ठीक है। पी से पोज ऑन द बॉडी, पोज ऑन द बॉडी मतलब स्पॉन्जी बॉडी। स्पॉन्जी बॉडी किस से बना है, स्पाइक्यूल या स्पॉन्जिया से। स्पॉन्जिया क्या है, फाइबर है, किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का, ठीक है। उसके बाद आता है ओ, ओ से पोर्स दो टाइप के हैं, कौन से, ओस्टिया और ओस्क्यूलम। ओस्टिया मतलब माउथ जैसा है, ओस्क्यूलम मतलब एनस जैसा है। क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है उन लोग छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को और पानी को एनगल्फ करते हैं, एनगल्फ करते हैं ओस्टिया से और एक्सक्रीट करते हैं ओस्क्यूलम से, ठीक है। आर से आया रिप्रोडक्शन, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप में, सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। आई, आई से आया इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इन इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं उनको इन लोग डाइजेस्ट करते हैं इंट्रासेलुलरली, मतलब सेल्स के अंदर ही, ठीक है। एफ और ई का कुछ मतलब नहीं है। आर से है रॉबर्ट ई ग्रांट, इन्होंने डिस्कवर किया था पोरीफेरा, रॉबर्ट ई ग्रांट। ए से आया एसिमेट्रिकल बॉडी, इनका बॉडी कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होता है, मतलब इनका कोई शेप नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये एक्वाटिक एनिमल है, सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। मैक कैन से हर, ठीक है, मैक कैन से हर का मतलब क्या है, मैक से मल्टी सेल्यूलर, कैन से मतलब कैनाल सिस्टम या कॉलर सेल्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। हर से हरमाफ्रोडाइट्स, हरमाफ्रोडाइट्स मतलब इनके कोई सेक्स बाउंडेशन नहीं होते, मतलब इनमें दोनों टाइप, एक में ही, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप के सेक्स होते हैं, मेल भी फीमेल भी। इसके एग्जांपल है साइकॉन, यूप्लेक्टेला, हाइलोनेमा और यूस्पोरोंजिया, यूस्पोंजिया, ठीक है।